नमस्कार दोस्तों, किरण बालकनी गार्डन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में, गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, ज़्यादा ना बात करते हुए आज हम एक ऐसे फ्लावर प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं कि देखिए कोयल कितनी अच्छी बोली बोल रही है ना। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं अपने टेरिस पे आई हूँ तो मैंने सोचा एक वीडियो इस फ्लावर प्लांट पे ऊपर डालते हैं। तो इस पौधे का नाम है गार्डेनिया या गंधराज। इस पौधे का नाम है गार्डेनिया या गंधराज, गार्डेनिया के नाम से भी जाना जाता है और इसे आम भाषा में लोग गंधराज भी बोलते हैं। और आज हम बताएंगे इस प्लांट को किस तरह से इसकी देखभाल करनी चाहिए, कब कब इसकी वाटरिंग करनी चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए, कब इसे कंपोस्ट चाहिए और कब इसे रिपोर्टिंग चाहिए, कितना सेमी शेड एरिया चाहिए, आज हम सब बताने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। ये बहुत ही खुशबू देने वाला फ्लावर प्लांट है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है, बड़े बड़े फूल आते हैं, आप देख सकते हैं। ये फूल इसके 4-5 दिन के हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ये देखिए, और इसमें नई नई बड्स भी आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इस फ्लावर प्लांट को आप अपने बालकनी गार्डन में ज़रूर ऐड करें, लेकिन ये पौधा बहुत ही सेंसिटिव है, ख़ास तौर से बिगनर्स इसे ट्राई ना करें, बिगनर्स के लिए बहुत आसान नहीं है इस पौधे को लगाना। और इस प्लांट को ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है, ह्यूमिडिटी मीन्स जैसे मान लो मॉइस्चर, इसकी मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए, इस पौधे को मॉइस्चर बहुत पसंद है। और इसकी मिट्टी को रेगुलर चेक करते रहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस इसकी मिट्टी में ना होने पाए। और इसे धूप कम से कम 6 घंटे की धूप चाहिए। हाँ, अगर इसकी कलियाँ गिर रही हैं तो उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर इसकी आप कलियाँ गिर रही हैं या पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये तो ऐसे ही पीला पड़ा है, एक ही पत्ता है, बाकी देख सकते हैं आप पौधे की रंगत बहुत ही हरा भरा प्लांट है और एक कली ये भी आ रही है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसकी पत्तियाँ अगर गिर रही हैं और पत्ते बहुत पीले पड़ रहे हैं, पीले होकर झड़ रहे हैं, या कलियाँ इसमें नई नहीं आ रही हैं, या कलियाँ आ रही हैं तो आने के बाद वो गिर रही हैं, आप देख सकते हैं इसमें कितनी हेल्थी कली लगी हुई है, ये भी देख सकते हैं आप। तो उस कंडीशन में आप ये चेक करें कि हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं है, कि इसकी जड़ों में फंगस लग रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग नुकसान कर सकता है। तो फ्रेंड्स हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा वाटरिंग देने से इसकी जड़ों में फंगस लग सकती है और कलियाँ भी गिर सकती हैं। और आप इसको आप रिपोर्टिंग कब करें वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसकी रिपोर्टिंग आप मान लिया आपका ये प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है और पत्तियाँ भी सिकुड़ रही हैं या पीली पड़ के गिर रही हैं, या मतलब पौधा अच्छा नहीं लग रहा, हरा भरा नहीं हो रहा है, तो आप इसकी रिपोर्टिंग जड़ें बहुत निकल आई हैं और मिट्टी की मात्रा कम हो गई है, तो आप इसको जो है जुलाई या अगस्त में ही इसकी रिपोर्टिंग करें। और इसका सोयल मीडिया बहुत ही अच्छा रखेंगे तभी जो है ये पौधा आपका अच्छे से सर्वाइव करेगा। इसमें आयरन या न्यूट्रिएंट्स की कमी या कैल्शियम की कमी होगी तो भी ये अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। ये प्लांट बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही खुशबू देने वाला प्लांट, फ्लावर प्लांट है। इसे आप लोग अपने बालकनी गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और इसका फूल 3 से 4 दिन तक चलता है
लेकिन इसकी कलियां बहुत हेल्थी होती हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये दोस्तों, ये अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।